Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. जिस तरीके से होली के बाद सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस के 22 विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, बागी हो गए थे और उसके बाद से वहां पर शिवराज सिंह यानी कि बीजेपी की सरकार बन गई थी। इसके बाद से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया था और बीजेपी जो है मध्य प्रदेश से उनको राज्यसभा सदस्य भेजने के लिए मनोनीत भी किया था। लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ सरकार चल रही थी, उस सरकार में जिस तरीके से किसानों को लेकर बातें कही जा रही थी और उससे पहले जो शिवराज सिंह की चौहान की सरकार थे उसमें किसानों को कितनी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन कमलनाथ की सरकार आते ही कुछ इसमें सुधार हुआ। लेकिन बात करें जिस तरीके से अभी कोरोना वायरस का खौफ चल रहा है और कोरोना वायरस के चलते जिस तरीके से किसानों को लेकर कई सारे समस्याएं आ रही है उसको लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा था जिसमें किसानों के हित के लिए बात कही थी और उन्होंने लिखा था कि किसानों के लिए जो 15 क्विंटल आप जो हेक्टेयर लेते हैं उसको बढ़ाकर 20 से 25 किया जाए, इसके बाद से ये फैसला आया। बात करें अगर कमलनाथ सरकार के वक्त फसल खरीदी की लिमिट जो थी वह 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की थी, जिसके बाद सिंधिया ने 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर फसल खरीदने की मांग की थी, जिस पर CM शिवराज ने कृषि विभाग के साथ चर्चा करने के बाद फैसला लिया कि किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। शिवराज सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश सरकार अब किसानों के पास जितना उत्पादन होगा उतना चना और मसूर खरीदेगी। शिवराज सरकार का कहना है कि किसानों के पास फसल का जितना दाम होगा सरकार खरीदने को तैयार है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में आज से चना और मसूर की खरीदी का कार्य शुरू हो गया है, जिसके लिए किसानों को SMS पर भेजे जा रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में चना और मसूर का भरपूर उत्पादन होता है। जानकारी के अनुसार यहां प्रति हेक्टेयर 20 से 25 क्विंटल चना और मसूर की पैदावार होती है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसान SMS मिलने पर ही अपनी फसल बेचने खरीदी केंद्र पर आए। संचालक ने बताया कि 29 अप्रैल से प्रदेश में चना मसूर की तथा 30 अप्रैल के सरसों के समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए किसानों को SMS भिजवा दिए गए हैं। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी, संचालक जनसंपर्क OP श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट।